हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हमें चेकअप कब कब करवाना चाहिए, कितने टाइम तक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या होता है अगर आपको कैंसर हुआ है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको जैसे मुझे हुआ था ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, तो मुझे सबसे पहले सर्जरी हुई थी, उसके बाद कीमो दी गई थी, उसके बाद रेडिएशन दिए गए थे। तो क्या होता है, सबसे पहले सर्जरी से उस पार्ट को निकाला जाता है, फिर अगर जैसे मेरा एडवांस स्टेज में था तो डॉक्टर को लगता है कि मैं भी कहीं और भी शरीर के किसी हिस्से में कैंसर या ब्लड के थ्रू चला ना गया हो, तो उसके लिए कीमो दी जाती है। तो कीमो से क्या होता है, शरीर के जिस भी हिस्से में कहीं अगर कैंसर सेल्स होते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी डॉक्टर को लगता है तो वो हमें रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन पर्टिकुलर एरिया में देते हैं। जैसे मुझे ब्रेस्ट में था, जहाँ पे एग्जैक्ट जड़ होती है उसकी, तो उस एरिया में आपको रेडिएशन दिए जाते हैं, रेडिएशन से भी कैंसर सेल्स डेड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें लगता है कि अब हमारा कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका है, अब हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि हमें लगता है हम हो सकता है 6 महीने जाए या 1 साल तक जाए, उसके बाद हमें लगता है अब हम ठीक है। अगर डॉक्टर हमें बुला भी रहे हैं, डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं अब कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने की, तो ये सही नहीं है, ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी है। हमें जब जब डॉक्टर बुलाते हैं हमें तब तब हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवाना चाहिए। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी अगर कैंसर का एक भी सेल जो है हमारी बॉडी में हमारे ब्लड के थ्रू, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके थ्रू, जिससे कि लिम्फ नोड होते हैं उसके थ्रू कहीं हमारे शरीर में जाके अगर कैंसर का एक भी सेल कहीं जाके बैठ गया हो सकता है अभी वो डेड हो, अभी वो एक्टिव नहीं हो, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में वो फिर से एक्टिव हो जाए, उसे शरीर में एक ऐसा वातावरण मिल जाए कि वो दोबारा से जीवित हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कुछ एक लोग स्मोकिंग करते हैं या कुछ एक लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट जब शरीर में मिलता है कैंसर सेल्स को, हो सकता है वो दोबारा एक्टिव हो सके, या हमारी इम्यूनिटी जो है किसी भी वजह से कमज़ोर हो जाए तो उस वजह से भी हमारे जो कैंसर सेल्स हैं उन्हें ऐसा एक वातावरण मिल जाता है शरीर में, तो दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है हमारा उसके लिए हमारी डाइट भी रिस्पॉन्सिबल हो, हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हाँ 100% ये नहीं कह सकते हम कि नहीं मेरा कैंसर वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो जो हमें डॉक्टर कहते हैं हमें वो मान लेना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में मेरा 9 से 10 महीने ट्रीटमेंट चला था, तो जब मेरा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था, मेरी सर्जरी हो गई थी, कीमो हो गई थी, रेडिएशन हो गए थे, उसके बाद मैंने कब कब चेकअप करवाया और क्या क्या किया, वही मैं आगे के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था, कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, सब कुछ, उसके बाद स्टार्टिंग में डॉक्टर जो है आपको हर महीने चेकअप के लिए बुलाते हैं। जैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो वो हर मंथ में आपको बुलाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं आप ठीक है, आपको कोई तकलीफ़ है। अगर आप डॉक्टर को बताएंगे मुझे ये तकलीफ़ है, तो हो सकता है उसके थ्रू डॉक्टर आपका टेस्ट करवाए कोई, अगर आपको तकलीफ़ है तो। अगर नहीं है तो वो हो सकता है मैनुअली आपको चेक करें, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ बुलाएंगे। तो ये जो सिलसिला है ये कम से कम 6 महीने से 1 साल चलता है, तो 6 महीने या 1 साल तक वो आपको वो एक एक महीने तक बुलाएंगे। फिर उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उसके बाद वो आपको 3 महीना कर देंगे, 1 महीने से बढ़ाकर वो टाइमिंग 3 महीना कर देंगे। तो ये 3 महीना भी आपको एटलीस्ट 2 साल तक आना होता है, 1 साल फिर से वही हर तीसरे महीने आपको हॉस्पिटल जाना होता है, हर तीसरे महीने आपका जो है वो चेकअप करते हैं कि सब कुछ ठीक है। और फिर उसके बाद अगर फिर भी आपका 2 साल तक सब कुछ ठीक होता है, तो उसके बाद 2 या 2.5 साल के बाद जो मेरा जो टाइम बढ़ाया था डॉक्टर ने, फिर 6 महीना किया था, फिर उसके बाद आपको 6 महीने जाना होता है, फिर 6 महीने के बाद ये भी आपका 2 या 2.5 साल तक मुझे 6 महीने तक बुलाया था, उसके बाद या 3 साल तक, 3 साल के बाद जब मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए तो डॉक्टर को लगा कि अच्छा अब सब कुछ ठीक है, तो 3 साल के बाद फिर आपको बुलाया जाता है, हर साल में एक बार, साल में एक बार बुलाते हैं।
तो उसके बाद जो है वो कभी स्किप, मैंने आज तक कभी स्किप नहीं किया है। जब जब डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है मैं तब तब हॉस्पिटल जाती हूँ, जो वो टेस्ट करवाते हैं वो मैं करती हूँ। जैसे अगर मैं साल में एक बार जाती हूँ तो मैं दिसंबर में हॉस्पिटल जाती हूँ, तो उस टाइम पे पहले हमें चेक करते हैं डॉक्टर, फिर हमें टेस्ट के लिए बोला जाता है। साल में एक बार वो टेस्ट ज़रूर होता है जिसे मेमोग्राफी कहते हैं। तो आपकी मेमोग्राफी होती है तो उसके थ्रू वो डॉक्टर देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, स्पेशली जो जैसे हमारा ब्रेस्ट का एरिया है तो वहाँ का मेमोग्राफी होती है कि जो सर्जरी हुई है उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हो अंदर शरीर में, या कुछ भी ऐसा है दोबारा से कहीं ट्यूमर सेल्स बढ़ रहे हों या ऐसा, ये सब कुछ चेक करते हैं। तो अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बोलेंगे कि अब आपको नेक्स्ट ईयर आना है। अगर कुछ भी उन्हें गड़बड़ लगता है, कुछ भी उन्हें ऐसा लगता है कि सही नहीं है, या आप ऐसा कुछ कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ है डॉक्टर, मुझे यहाँ तकलीफ है, तो उसके बाद अगर उन्हें मेमोग्राफी में कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ डाउटफुल है, तो फिर वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ ऐसा होता है फिर हो सकता है वो दोबारा आपकी बायोप्सी करें। अगर किसी का ऐसा कुछ लगता हो तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे एटलीस्ट 5 से 6, ये अभी 6 साल कंप्लीट होने वाली है मुझे 1-2 महीने में, तो मैं हर साल जाती हूँ। अभी दिसंबर में गई थी, अब नेक्स्ट दिसंबर में फिर से जाऊँगी एग्जामिनेशन के लिए, जो ईयरली एग्जामिनेशन होता है हमारा जिसमें मेमोग्राफी होती है। तो टचवुड मुझे 5 से 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मैं अभी तक ठीक हूँ, लेकिन मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं हर साल जाती हूँ, मैं हर साल मेमोग्राफी करवाती हूँ, जो डॉक्टर कहते हैं मैं वो करती हूँ। और उसके साथ साथ आपको कुछ एक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। ये बिल्कुल मत समझिए कि 1 या 2 या 3 साल भी अगर किसी को होते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा कि कैंसर किसी किसी का 5 साल बाद, किसी किसी का 10 साल बाद भी कैंसर वापस आया है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि स्पेशली अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, आप जानते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में कितनी तकलीफ होती है। एक तो आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, अपनी एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो डॉक्टर भी इन्हीं सब चीज़ों का, यही सारी चीज़ें हमसे पूछते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपना खान पान अच्छा रखिए। और वो हमें बताते हैं रिकरेंस के बारे में कि इसके चांसेस होते हैं, तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना है, आपको हॉस्पिटल आना है, आपको चेकअप करवाना है। कुछ एक चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में देखी जाती है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं। एक हमारी हिस्ट्री, हमारा कैंसर कैसा था, किस टाइप का था, किस ग्रेड का था, किस स्टेज का था, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जब भी हम आगे फर्दर, जैसे भी हमारा जो चेकअप चलता है रूटीन चेकअप, जो साल में एक बार स्क्रीनिंग वगैरह होती है, सबसे पहले आपको वो अपनी फाइल ले जानी होती है, जो आपकी एक फाइल बनी होती है हॉस्पिटल में, उससे डॉक्टर आपकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि अच्छा पहले कि क्या कैंसर है आपको, किस टाइप का कैंसर है, किस स्टेज का है, किस ग्रेड का है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन होता है, पहले डॉक्टर हिस्ट्री चेक करेंगे, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन में मेमोग्राफी हो सकती है या फिर अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ये चीज़ें होगी। अगर उसमें अगर किसी को डाउट हो, कुछ ज़्यादा हो जाए, तो फिर फर्दर के जो भी टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, ये चीज़ होती है। उसके बाद होती है डॉक्टर आपको मैनुअली भी चेक करते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, उन्हें आप ठीक लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, कि आप बहुत ढीले हो या सुस्त हो, मायूस हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर पहचान लेते हैं कि आप ठीक है नहीं है जो भी है। तो फिर इन चीज़ों का आप खूब ख्याल रखिए। अगर आपको कैंसर हुआ है तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 1 या 2 साल बाद कि हमें नहीं जाना है टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए ज़रूर जाइए। वैसे भी अगर हम नॉर्मल भी हैं, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि हमें ईयरली अपना चेकअप करवाना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। कई बार कुछ एक बीमारियां ऐसे होती है जो हमें थोड़ा टाइम से पहले कि टेस्ट करवा ले तो उसमें हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है आपको ये वाली बीमारी होने वाली हो। तो क्या होता है अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, हो सकता है हम अपनी डाइट चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी रूटीन जो है डेली की वो चेंज करें, तो हो सकता है वो उस बीमारी को हम आने से रोक सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए, जब जब डॉक्टर आपको बुलाते हैं आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको चेकअप करवाना है, और ये स्किप नहीं करना है, ये जब तक डॉक्टर कहे तब तक जाना है। मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं, मैं आज तक जाती हूँ, आगे भी जब जब डॉक्टर
मुझे हॉस्पिटल बुलाएंगे टेस्ट के लिए, चेकअप के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। तो इससे डॉक्टर का कोई वो नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता, ये हमारे लिए है सब कुछ। तो इसलिए जब जब डॉक्टर आपको बुलाते हैं हॉस्पिटल, आपको ज़रूर जाना है, अपना टेस्ट करवाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।